समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 22 मई रविवार सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। बढ़ती महंगाई से अब केंद्र सरकार ने आम जनता को थोड़ी राहत दी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले केंद्रीय एक्साइज ड्यूटी में भारी कटौती की घोषणा की है। केंद्र के इस कदम से आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों में भी कमी आएगी। केंद्र ने शनिवार को पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में लगभग 8 रुपये और 6 रुपये प्रति लीटर की कटौती की है। इसके अलावा भी सरकार ने गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों से भी जनता को राहत दी है। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, हम पेट्रोल पर केंद्रीय एक्साइज ड्यूटी में 8 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 6 रुपये प्रति लीटर की कमी कर रहे हैं। इससे पेट्रोल की कीमत 9.5 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 7 रुपये प्रति लीटर तक कम हो जाएगी। गौरतलब है कि पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार आ रहे उछाल से आम जनता काफ़ी परेशान है। पेट्रोल डीजल के अलावा सरकार ने महंगे गैस सिलेंडर खरीदने वालों को भी बड़ी राहत दी है। इसके अलावा साथ ही उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 200 रुपये प्रति गैस सिलेंडर पर सब्सिडी देने की घोषणा की है। गैस सिलेंडर पर सब्सिडी को लेकर केंद्र सरकार ने कहा, हम प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 9 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को 200 रुपये प्रति सिलेंडर की सब्सिडी देंगे। इससे हमारी माताओं और बहनों को मदद मिलेगी। इससे सालाना लगभग 6,100 करोड़ रुपये का राजस्व प्रभावित होगा। राजस्थान कांस्टेबल भर्ती परीक्षा लीक मामले में एडीजी एटीएस अशोक राठौर ने शनिवार को प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि 14 मई की दूसरी पारी का पेपर लीक सोची समझी साजिश थी। पूरे गिरोह ने मिलकर इस घटनाक्रम को अंजाम दिया। दिवाकर पब्लिक स्कूल में स्ट्रांग रूम से प्रश्न पत्र की फोटो ली गई थी। स्ट्रांग रूम में एक नहीं कई दरवाजे हैं, इसका मतलब पहले ही गिरोह का इरादा तय हो गया था। मामले में अभी तक 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। छोटू राम उर्फ मोहन को स्ट्रांग रूम भेजा गया था। मोहन ने ही वहां से उस प्रश्न पत्र की फोटो ली थी। मोहन को एसओजी की टीम ने शुक्रवार देर रात दिल्ली से गिरफ्तार किया है। श्री राठौर ने कहा कि यहां से आगे जिन जिन अभ्यर्थियों के पास यह पेपर पहुंचा है उनको भी मामले में गिरफ्तार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लीक कांड में मोहन की पत्नी प्रिया की भी भूमिका संदिग्ध मिलने पर उसे जयपुर से गिरफ्तार किया गया है। मामले की जाँच की जा रही है। सीकर जिले के रिंगस थाना क्षेत्र के वार्ड संख्या 7 में पति द्वारा पत्नी की कुल्हाड़ी से गला रेतकर निमर्म हत्या कर दिए जाने का मामला सामने आया है। घटना में 23 वर्षीय पूजा की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस ने बताया कि घटनास्थल से कुल्हाड़ी के साथ आरोपी पति धर्मेंद्र को भी हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस ने बताया कि पत्नी की हत्या के बाद पति धर्मेंद्र ने भी आत्महत्या का प्रयास किया था। पुलिस ने बताया कि हत्या के कारणों का अभी पता नहीं चल सका है। संभव है कि घरेलू झगड़े में पूजा की हत्या की गई हो। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। नागौर जिले के मारोर थाना क्षेत्र में 14 साल की बच्ची से गैंगरेप का मामला सामने आया है। पीड़िता के साथ 4 नाबालिग समेत 5 लोगों ने बारी बारी से दुष्कर्म किया। मामला सामने आने के बाद पीड़िता की मां उसे लेकर थाने पहुंची और मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने बताया कि पीड़िता ने रिपोर्ट दी है कि अप्रैल में वह चितावा थाना क्षेत्र के एक गांव में मायरे के कार्यक्रम में परिजनों के साथ गई थी। वहां सभी आरोपी उसे डरा धमकाकर खेत में ले गए। यहां सभी ने बारी बारी से उसके साथ रेप किया। बताया जा रहा है कि एक नाबालिग आरोपी पीड़िता का रिश्तेदार है और बाकी 4 आरोपी भी पहचान के ही हैं। घटना के बाद से मासूम डर गई थी, इसलिए उसने किसी को कुछ नहीं बताया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। जयपुर जिले के खो नगोरियन थाना क्षेत्र में नीट की तैयारी कर रहे छात्र द्वारा ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर लिए जाने की जानकारी सामने आई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बताया कि शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। सुसाइड से पहले मृतक ने अपने दोस्त को वॉइस मैसेज भेजा था, जिसमें उसने कहा था कि मैं कुछ ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन इतना परेशान हो गया कि यह करना पड़ रहा है। पुलिस ने बताया कि मृतक की पहचान राहुल के रूप में हुई है। मृतक के परिजनों ने एक युवती और उसके परिजनों के खिलाफ राहुल को टॉर्चर कर आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने बताया कि मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। राजस्थान के युवाओं का लंबा इंतजार खत्म हो गया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने लाइब्रेरियन के 460 पदों पर भर्ती निकाली है। इनमें नॉन टीएसपी सामान्य के लिए 394 और टीएसपी के लिए 66 पद शामिल हैं, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 26 मई से शुरू होगी, जो 24 जून तक चलेगी। माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए होने वाली इस भर्ती की परीक्षा सितंबर में आयोजित करवाई जा सकती है। इसमें 18 से 40 साल तक की उम्र के उम्मीदवार राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकेंगे। भर्ती परीक्षा में सिलेक्शन होने पर उम्मीदवार को हर महीने पे मैट्रिक्स 10 के अनुसार 44,000 रुपये से लेकर 69,200 रुपये तक सैलरी दी जाएगी।
जोधपुर जिले के बरुंदा थाना क्षेत्र में एक शिकारी अपनी ही गोली से जान गंवा बैठा। इलाके में शिकार करने कुछ युवक बंदूक लेकर पहुंचे थे। ग्रामीणों को जब शिकार की भनक लगी तो उन्होंने एक शिकारी को घेर लिया, उसकी जमकर धुनाई कर दी। इस दौरान शिकारी की बंदूक से गोली चली जो उसी के पेट में लग गई। घटना में उसकी मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि देवनगर क्षेत्र के गुर्जरों की ढाणी के पास कुछ लोग शिकार कर रहे थे। गोली चलने की आवाज सुन बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। ग्रामीणों ने शिकारियों को घेर लिया। कुछ शिकारी भाग निकले जबकि एक शिकारी रतकुड़िया निवासी सवाईराम ग्रामीणों के हत्थे चढ़ गया। इस दौरान सवाईराम के हाथ में थामी बंदूक का ट्रिगर दब गया, उसे निकली गोली पेट में जा लगी और उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाकर मामले की जांच शुरू कर दी है। जयपुर जिले के खो नगोरियन थाना क्षेत्र में चोरों ने एक सूने मकान में सेंध लगाते हुए घर के ताले तोड़कर नकदी और आभूषण चोरी कर लिए जाने की जानकारी सामने आई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि पीड़ित कमलेश ने रिपोर्ट दी है कि अज्ञात चोर उसके घर से लाखों रुपए के आभूषण और नकदी चोरी कर ली गई। पुलिस ने बताया कि घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की सहायता से चोरों की तलाश की जा रही है। जल्द ही चोरों को पकड़ लिया जाएगा। जयपुर जिले के ज्वार सर्किल थाना क्षेत्र में परिवार की मृत्यु और अनिष्ट का भय दिखाकर लाखों की ठगी कर लिए जाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने बताया कि पीड़ित बलराम की रिपोर्ट पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पीड़ित बलराम ने कुछ युवकों के खिलाफ नामजद शिकायत देते हुए बताया कि आरोपियों ने परिवार की मृत्यु और अनिष्ट का भय दिखाया और पूजा पाठ के नाम पर करीबन 15 लाख रुपये की ठगी कर ली। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। उदयपुर में सेंट्रल जीएसटी की एंटी वेजन शाखा ने अर्थ ग्रुप पर छापा मारकर कार्रवाई की है। टीम ने मधुबन स्थित अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर पर छापा मारकर इंस्पेक्शन किया। पेनल्टी के साथ 13,89,000 रुपये की जीएसटी वसूली है। दरअसल टीम ने पाया कि अर्थ स्किन एंड फिटनेस की कंपनी द्वारा स्कीम और फिटनेस कंपनी की ओर से जो भी ट्रीटमेंट दिए जा रहे थे उन्हें हेल्थ केयर सर्विस का हिस्सा बताया जा रहा था, जिस पर देय जीएसटी नहीं दिया जा रहा था। जांच के बाद विभाग ने अधिकारियों से पूछताछ के दौरान कंपनी ने अपनी गलती स्वीकार की है। 62 लाख रुपए की एग्जेम्प्टेड सप्लाई पर 18% दर के हिसाब से 11,89,000 रुपए जीएसटी और 2 लाख रुपए पेनल्टी समेत कुल 13,89,000 रुपए वसूली की है। इस समय शादी विवाह का मौसम चल रहा है। हर रोज सैकड़ों शादियां हो रही हैं। शादी समारोह को लेकर गाड़ी डीजे सहित अन्य चीज़ों की डिमांड भी अधिक है। ऐसे में एक शादी के बाद दूसरे अथवा अपने डेली रूटीन काम में आने के दबाव में ड्राइवर गाड़ी को काफ़ी तेज गति से भगाती हैं। इस कोशिश में बड़े हादसे भी हो रहे हैं। ताज़ा मामला दक्षिण भारतीय राज्य कर्नाटक से सामने आया है, जहाँ 21 बारातियों को लेकर लौट रहे एक तेज रफ्तार वाहन ने पेड़ से जबरदस्त टक्कर मार दी। इस हादसे में 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 10 बाराती बुरी तरह से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार कर्नाटक के धारवाड़ के निगड़ी में यह हादसा हुआ। गाड़ी में सवार लोग और मृतक शादी में शामिल होने के बाद बेंगकट्टी लौट रहे थे।